अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट सायरा सुल्तान। और दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम ये हाफ फेस गोल्ड इफेक्ट जो है वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत आसान मेथड है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। तो आई एम विदाउट टाइम वेस्टिंग अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ दोस्तों। दोस्तों हमने क्या करना है, फाइल पर आना है, ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी वो पिक्चर ले लेंगे दोस्तों, जिस पिक्चर के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। जैसे कि मेरी ये पिक्चर है, उसको कंट्रोल प्लस करके इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब ये कंट्रोल जे से इसकी एक डुप्लीकेट बना लेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल यू को प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिचुएशन को जो है हम लोग माइनस कर देंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से। ओके के बटन पर प्रेस करेंगे तो देखेंगे जो पिक्चर है ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। फिर से कंट्रोल जे से इसकी कॉपी बना लेंगे और फिर हम दोस्तों कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों देखें जो नॉर्मल लिखा हुआ है, हम इसको डिफरेंस के बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या करना है दोस्तों, अपनी इस ऊपर वाली लेयर पे जो हमने जिस पे काम किया, इसको ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मर्ज डाउन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये एक लेयर बन जाएगी दोस्तों। अब कंट्रोल जे से फिर से इसकी कॉपी बनाएंगे और कंट्रोल आई को प्रेस करके इसको भी इन्वर्स कर देंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल पर आएंगे और इसको भी डिफरेंस के बटन पर क्लिक कर देंगे स्क्रीन पे, तो कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। फिर से हमने क्या करना है, ऊपर वाली लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और मर्ज डाउन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों लेयर फिर से एक हो जाएंगे दोस्तों, तो देखें कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को फिल्टर पर जाना है, ब्लर में जाएंगे दोस्तों और यहाँ से सरफेस ब्लर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो सा थ्रेश होल्ड है दोस्तों, हम 32 सेट करेंगे, आप अपने पिक्चर के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ओके के बाद उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर देखें दोस्तों एडजस्टमेंट के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे और ऊपर सॉलिड कलर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ से हम लोग जो सा है कुछ गोल्ड सा जो सा है वो कलर लेंगे, ठीक है दोस्तों, और ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अपनी इसी वाली लेयर को, अब दोस्तों हम लोगों ने ये जो कलर फिल किया है इसको यहाँ पर देखें दोस्तों, इस लेयर को एक्टिव रखेंगे, नॉर्मल पर आएंगे दोस्तों और यहाँ से कलर पे इसको कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से दोस्तों। तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेगा दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आर्ट प्रेस करके इसको हम लोग क्लिपिंग मार्क्स कर देंगे इस तरह से दोस्तों, ठीक है। अब अपने नीचे वाली लेयर पर आएंगे दोस्तों और यहाँ पर एक मार्क अप्लाई कर देंगे इस तरह से, और मेक श्योर करेंगे कि कलर बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो, और दोस्तों कंट्रोल आई को प्रेस कर देंगे तो ये कुछ इस तरह इनवर्स हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, पेन टूल लेंगे और यहां से दोस्तों इसके हाफ फेस की हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इसके फेस के साथ साथ रखते हुए हमने इसके हाफ फेस की सिलेक्शन कर लेनी है, इसके साथ साथ हम लोग क्लिक करते जाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप यहां से अब चाहे तो सीधा भी ला सकते हैं, चाहे तो कर्व भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह की आप सिलेक्शन करना चाहते होंगे आप उस तरह की इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी सिलेक्शन कर ली है, राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो ये देखिए सिलेक्शन बन जाएगी। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ब्रश टूल पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आके हम लोग इसको इस तरीके से पेंट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से हम लोग पेंट कर देंगे। आप चाहें तो इसका कलर जोन सा है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी का कलर भी जोन सा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं इस पे, ठीक है, और ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे दोस्तों तो ये देखें ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, कंट्रोल माइनस करके इसको जूम आउट कर देंगे तो ये देखें दोस्तों, हमारा जो इफेक्ट है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ क्रिएट हो गया है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।